नसरीन बीबी का बिल तो अदा हो चुका है। क्या बिल अदा हो चुका है, मगर किसने किया? वो एक साहब आए थे, उन्होंने कुछ ड्यूज पूछे और फिर पेमेंट क्लियर कर दी। ऐसा कौन कर सकता है? तो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानती। आप जरा दोबारा चेक करें, हो सकता है कि आपसे कोई गलत फहमी हुई हो। नहीं, ये देखिए, ये आपके वालदा की स्लिप है और इसमें बिल पेड है। बल्कि वो साहब आपके वालदा का रूम नंबर पूछ रहे थे, शायद वो उनसे मिलने गए हैं। आप एक बार चेक कर लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे नई जिंदगी बख्शी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बच्ची अकेली रह जाती। अरे मेरी सोनिया का फिर क्या होना था? खाला ऐसा क्यों सोचती हैं आप? सोनिया माशाल्लाह बहुत समझदार और पुरएतमाद लड़की है। वो आपने हॉस्पिटल की फीस क्यों पे की? सुनिया खाला हमारी बड़ी हैं, बल्कि हमारी माँ की जगह है। अगर मैंने इनके इलाज का खर्च भर दिया तो इसमें क्या बुरा किया मैंने? और खाला, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? कितना भी हक नहीं है मेरा आप? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम तो मेरे बेटे से भी बढ़ के हो जिसने मेरा इतना एहसास किया। ए सोनिया, तू माँ बेटे के बीच में क्यों आ रही है? मेरा बच्चा है, अगर उसने कुछ कर दिया है मुझे माँ समझ के, तो तू क्यों इस तरह बोल रही है? अम्मी सुन ले सोनिया, ये मेरा और खाला का मामला है, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। जीता रहे, सलामत रहे। और सोनिया, मेरे बेटे के होते हुए बेटी का एहसान लेने की मुझे क्या जरूरत है? क्यों सुहेल? जी भाभी, सब खैरियत है? क्या मतलब? जी बिल्कुल। वैसे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने उसको दवाइयां लिखकर दी थी, मैं वो शाम में ले आऊंगा आपसे। मैं ओके, अल्लाह हाफिज़। सोनिया, खाला की खुराक का बहुत ख्याल रखना और दवाई में कोई नागा मत करना। मैं कुछ दवाइयाँ और जरूरी चीजें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। सुहेल साहब, और कितना शर्मिंदा करेंगे आप? प्लीज मत करें, आप पहले ही इतने एहसान कर चुके हैं। खाला प्लीज, आप अपनी बेटी को समझा लें। मैं ये सब इसके लिए नहीं, अपनी अम्मा के लिए कर रहा हूं। जी कह रहा हूं। सलामत रहो मेरे बेटा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अल्लाह तुम्हारी रिजक में इजाफा करे, तुम्हारी उम्र दराज करे, और इन सब चीजों का ना बदला तुम्हें अल्लाह दे सकता है। कुछ गरीबनी के पास तो सिर्फ दुआएं हैं तुम्हारे लिए। खाला मुझे आपकी ये दुआएं तो चाहिए, आपकी दुआओं की मुझे बहुत सख्त जरूरत है।
आपकी दुआओं की वजह से मेरे दिल की खुशी चाहत मिल जाए तो और क्या चाहिए मुझे। खुश रहो। चल सोनिया आ जा, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा बेटा, आए। सुहेल वहां देख लेंगी देहान की तरह। देहान का ही तो मसला है, तुमसे हटे तो कहीं और लगे। सोनिया आ जा बेटा, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जी अम्मा आई। मंगनी किसी और से कर रहे थे, तुम्हें क्या लगा था मैं खामोशी से किसी कोने में बैठकर रोती रहूंगी, अपनी किस्मत को कोसती रहूंगी? क्या समझा तुमने मैं कोई खिलौना? मैं जानता हूं वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करेगी। वो जितनी जिद्दी है वो घर जाने पर मुझे जलील करके निकाल देगी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दिल सिर्फ उसी को चाहता है। और अम्मी जितनी मुझसे नाराज हैं वो कभी भी सोनिया से मेरी शादी के लिए राजी नहीं होंगी। या अल्लाह मैं क्या करूं?